और फिर उनमें लिंकेज कौन से हैं और फिर ये भी देखा था ब्रांचिंग किस लिंकेज की वजह से होती है हमने स्टार्च के सोर्सेस भी देखे थे और लास्ट में स्टार्च की डाइजेशन भी पड़ी थी नेक्स्ट हमारा पोलिसक्राइड है ग्लाइकोजन बिल्कुल स्टार्च की तरह ग्लाइकोजेन भी एक होमोपोलीसक्राइड है यानी इसमें भी सारे मोनोमर एक ही तरह के होते हैं और वो मोनोमर ग्लूकोज यूनिट्स हैं ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंडेंस करते हैं साथ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और एक हमारे पास पोलिसक्राइड बन जाता है ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोर होता है इन लिवर एंड मसल्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो स्टार्च है वो प्लांट्स में स्टोर होता है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एनिमल्स में और इन फॉर्म ऑफ स्टार्च ये प्लांट्स में स्टोर हो जाता है ये जो ग्लाइकोजिन है ये एनिमल्स में मोस्ट कॉमन है टेस्टलेस इनसोलुबल इन वाटर है पोलीमर है है, है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसको सॉल्वेट नहीं कर सकते वाटर इतने बड़े मॉलिक्यूल को हाइड्रेट नहीं कर सकता जिसकी वजह से ग्लाइकोजिन वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन जब ग्लाइकोजिन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज के यूनिट्स वापस मिल जाते हैं मोनोस्क्राइड जो हैं वो दोबारा बन जाते हैं ग्लाइकोजिन बिल्कुल ग्लूकोज ये स्टार्च की तरह दिस इज द पोलीमर ऑफ एल्फा डी ग्लूकोज ये अल्फा डी ग्लूकोज का एक पोलीमर है जिसमें डिफरेंट ग्लूकोज जो डिफरेंट ग्लाइकोसिडिक बाड्स काफी ज्यादा ग्लाइकोसिडिक बाड्स मैनी ग्लाइकोसिडिक बाड्स बन जाते हैं बिटवीन ग्लूकोज यूनिट्स एक ग्लूकोज जो है दूसरे ग्लूकोज के साथ कंडेंस करता है और कंडेंसेशन के नतीजे में जब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस कर जाते हैं ग्लाइकोजन बन जाता है ग्लाइकोजन में दो तरह के लिंकेज होते हैं एल्फा वन फोर और एल्फा वन सिक्स एल्फा वन सिक्स लिंकेज का मौजूद होना बताता है कि ग्लाइकोजन जो है इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग मौजूद है और ब्रांचिंग एल्फा वन सिक्स की वजह से है जितने ज्यादा अल्फा वन सिक्स लिंकेज होंगे उतनी ज्यादा किसी भी पॉलीसेकेराइड में ब्रांचिंग होगी ग्लाइकोजन ये स्टोर होता है लिवर में या मसल्स में लिवर में इसको हेपेटोसाइट ब्रेक करके एपेटो हेपेटोसाइट्स इसको ब्रेक करके ग्लूकोज में बदल देते हैं ग्लाइकोजन को और जो के मेन ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है और जो मसल्स हैं ये ये भी ब्रेक करते हैं इसको ड्यूरिंग एक्टिविटीज जब ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं हमारा जो ब्रेन है वो सोलली ग्लूकोज जो है उसकी जो एनर्जी का सोर्स है वो सारे का सारा ग्लूकोज है टोटली totally जो ब्रेन है वो ग्लूकोज डिपेंडेंट है सारी की सारी एनर्जी ब्रेन ग्लूकोज से लेता है लिवर लिवर में जो ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजिन का वो ग्लूकोज में और ग्लूकोज ब्लड Uh, जो है वो ब्लड में चले जाता है मेन ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि लीवर कितना ग्लाइकोजिन को ब्रेक कर रहा है नंबर टू जो स्केलेटल मसल है ये ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं एनर्जी का सोर्स ड्यूरिंग एक्टिविटी जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जब स्प्रिंटिंग करते हैं तो ये जो है ग्लूकोज है ग्लाइकोजिन ब्रेक होता रहता है मसल्स में और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज पोलिमर ऑफ एल्फा डी ग्लूकोज ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है ये इसका एनोमेरिक कार्बन है रेड वाला ये एनोमेरिक कार्बन है और ये पूरा ये जो मैंने लिंकेज शो करवाया जो कार्बन नंबर वन है और ये वाला कार्बन नंबर फोर है इनके दरमियान लिंकेज होनी है वन फोर लिंकेज ये वाला कार्बन नंबर सिक्स है वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ये वाला कार्बन सिक्स है जो कार्बन सिक्स है जब ये इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में कंडेंसेशन में जब ये इन्वॉल्व होगा ग्लाइकोसिडिक बाड बनाने में तो तब ब्रांचिंग होगी एक दूसरा ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसमें भी कार्बन नंबर वन और फोर मौजूद है अब कार्बन नंबर वन और फोर दोनों पर ओ एच OH मौजूद है यहां से ओ OH एच और एच मिलकर वाटर बनेगा और एक ऑक्सीजन बच जाएगा वो ऑक्सीजन ग्लाइकोसिडिक बाड बना रहा है ये जो सीओ सी बाड यहां पर बनेगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये हमारे पास दो मोनोमर जुड़ गए हैं हम इसको डाइसिक्राइड कह सकते हैं हम इसको इस स्टेज पर माल्टोस भी कह सकते हैं क्योंकि ये वन फोर लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक बाड बनाया दो ग्लूकोज के दरमियान एक कार्बन वन इन्वॉल्व हो रहा है दूसरा कार्बन फोर इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज है कार्बन वन और फोर है तो हम इसको अल्फा वन फोर लिंकेज भी कह सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन दो कार्बन के दरम्यान मौजूद है तो हम इस फंक्शनल ग्रुप को ईथर भी कह सकते हैं हम कह सकते हैं ये इथर लिंकेज है जैसे हम प्रोटीन्स में पेप्टाइड जो लिंकेज होती है उसको अमाइड लिंकेज भी कह रहे होते हैं अब बॉन्डिंग के बावजूद अगर चाहिए वन और फोर मिल गए हैं स्टिल एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर वन और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर फोर बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है इस तरफ वन है तो ये फोर से मिलता जाएगा और इस तरफ फोर है तो ये वन से मिलता जाएगा और लंबी चेन बन जाएगी ग्लाइकोजन बन जाएगा अब देखिये ये दो यूनिट आपस में अटैच हैं जिसमें कार्बन नंबर वन और फोर मिले हुए हैं और अभी ये वाला वन फ्री है ये वाला फोर भी फ्री है तो ये जो अल्फा वन लिंकेज बनी है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनी है इसी तरह की लिंकेज फर्दर भी डेवलप हो सकती है अगर हम इसमें ग्लूकोज का एक और मॉलिक्यूल एड करें ये इस ग्लूकोज का वन है और ये इसका फोर कार्बन है तो यहाँ पर वन फोर लिंकेज एक का ओ एच और दूसरे का एच मिलकर वाटर बनेगा और यहाँ ऑक्सीजन बच जाएगा ग्लाइकोसिडिक बाड बन जाएगा ये हमारे पास एक ट्राई सेक्राइड बन गया यहाँ वन और फोर के दरमियान एक और लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डेवलप हुई है ये भी अल्फा वन फोर है अब देखें यहाँ पर मोनोसक्राइड तीन है लेकिन जो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बांड है वो दो हैं अगर किसी में दस मोनोसक्राइड आपस में जुड़े हुए हैं तो उसमें जो हमारे पास लिंकेज होगी जो ग्लाइकोसिडिक बांड होंगे वो नाइन होंगे ग्लाइकोसिडिक बांड मोनोसक्राइड की तादाद से एक कम होता है अब हम इसमें फर्दर भी ऐड कर सकते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्योंकि इधर से कार्बन नंबर वन अभी भी फ्री है इधर से कार्बन नंबर फोर फ्री है तो हमारे पास ये ट्राइसक्राइड है जिसमें अल्फा वन फोर लिंकेज मौजूद है हम एक ग्लूकोज का और मॉलिक्यूल ऐड करते हैं यहां से भी देखें वो एच और ओर एच मिलकर वाटर निकलेगा और एक और अल्फा वन फोर लिंकेज बन जाएगी यहां पर भी ये हमारे पास टेट्रा बन गया है और ये वन फोर लिंकेज एक और डेवलप हो गई है अब डी स्टूडेंट ये लंबी चेन बनती जाएगी ये बिल्कुल अमायलोस की तरह ही है अमायलोस में भी लिंकेज होती है हम यहाँ पर वन सिक्स लिंकेज भी करवा सकते हैं क्योंकि सारी रिंग्स पर ये सिक्स वाला कार्बन भी फ्री है तो ये सिक्स वाले कार्बन का ओ एच निकल के किसी और ग्लूकोज यूनिट के कार्बन नंबर वन के साथ कंडेंस कर जाएगा तो वन सिक्स लिंकेज बन जाएगी जैसा कि देखें ये हमारे पास अमायलोस जैसी स्ट्रक्चर है सारे वन फोर लिंकेज है ये हमारे पास सिक्स कार्बन है तो यहां पर देखें ये हमारे पास एक और ग्लूकोज का यूनिट है जिसका कार्बन नंबर वन इसके सिक्स के साथ कंडेंस कर जाता है और यहाँ लिंकेज डेवलप हो जाती है ये हमारे पास नई लिंकेज आई है एक तरफ कार्बन नंबर सिक्स है एक तरफ कार्बन नंबर वन है तो दिस इज एल्फा वन सिक्स लिंकेज ब्रांचिंग डेवलप हो गई है क्योंकि ग्लाइकोजिन और अमाइलोपैक्ट्रन दोनों में ब्रांचिंग होती है ग्लाइकोजिन में ज्यादा होती है हर आठ से बारह मोनोसक्राइड के बाद ये एक वन सिक्स लिंकेज भी डेवलप हो जाती है अब ये जो ऊपर हमारे पास ब्रांच बनी है ये भी आगे कंडेंस कर सकती है क्योंकि इसमें भी ये वाला जो चौथे कार्बन का ओ एच है ये फ्री है तो इसमें भी हम ग्लूकोज का एक और मॉलिक्यूल ऐड करके अल्फा वन सिक्स लिंकेज डेवलप करवा सकते हैं और इस तरह ये लंबी चेन एक और अमाइलोज टाइप चेन डेवलप हो जाएगी एक्चुअली एक अमाइलोज की चेन दूसरी अमाइलोज की चेन के साथ वन सिक्स के जरिए जब लिंक करती है तो वो माइलोपैक्टन या ग्लाइकोजन बन जाता है अब हम इसकी ब्रेकडाउन की बात करते हैं ग्लाइकोजन की ग्लाइकोजन में ग्लूकोज के बहुत ज्यादा यूनिट्स आपस में कंडेंस होते हैं एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब ग्लाइकोजन ये जो डिग्रेड होता है ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है तो इसमें से ग्लूकोज का एक यूनिट कम हो जाता है ग्लूकोज के यूनिट एन माइनस वन रहेगी वो जो एक यूनिट कम हुआ है वो बना देगा ग्लूकोज वन फास्फेट और ग्लूकोज वन फास्फेट और ग्लूकोज सिक्स फास्फेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ये जो ग्लूकोज सिक्स फास्फेट है ये दो पाथवेज हैं एक है पेंटोज पाथवे और दूसरा है ग्लाइकोलिस ग्लाइकोलाइसिस ये जो ग्लाइकोलाइसिस है और ये जो पेंटोस पाथवे है जब ग्लूकोज सिक्स में जाता है में जाता है तो यहां पर एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं इस तरह जब ग्लाइकोजन ब्रेक फेस फास्फेट बनाता है तो वो डिफरेंट पाथवेज में एंटर होकर एटीपी के मॉलिक्यूल रिलीज करता है अगर हम इसका सिंथेसिस देखें तो सिंथेसिस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज से होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस करके ग्लाइकोजन बनाते हैं लेकिन ग्लूकोज इससे पहले

ये आगे ग्लाइकोजन की तरफ का मूव करेगा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा इन दी कौन से हैं यहाँ पर ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है और दूसरा ग्लाइकोजेन इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोजेन जो है वो प्राइमर प्रोवाइड करता है ग्लाइकोजन बनाने के लिए इस तरह से इन एंजाइम्स की मौजूदगी में ग्लूकोज वाया ग्लूकोज वन फास्फेट एंड यूरोडीन डाई चेंज हो जाता है ग्लाइकोजेन में ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक Thank you very much.